नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। नेपाल में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर मापी गई 5.5 की तीव्रता। काठमांडू से 131 किलोमीटर दूर रामेछाप और सोलुखुम्बू जिला रहा भूकंप का केंद्र। सैन्य हमले से बौखलाए आईएसआईएस ने सीरिया में किया रासायनिक हमला, सेना के 22 लड़ाके हुए घायल। तुर्की सेना के अधिकारियों ने की पुष्टि। पाकिस्तान के वजीरिस्तान में पोलैंड की तेल कंपनी के 6 कर्मचारियों का हुआ अपहरण, किसी भी आतंकी संगठन ने नहीं ली जिम्मेदारी। मामले की जांच में जुटी पाक पुलिस। चीन में बिजली संयंत्र हादसा मामले में 9 लोगों को किया गया गिरफ्तार। दुर्घटना में 74 लोगों की हुई थी मौत। हिरासत में लिए गए लोगों में हेबई यिनिंग टावर इंजीनियर का अध्यक्ष झांग भी शामिल। ऑस्ट्रिया में शरणार्थी केंद्र पर पेट्रोल बम से हमला, कुछ अज्ञात हमलावरों ने किया हमला, एपीए संवाद समिति ने की पुष्टि। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए टीवी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।